प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन्ना। साध संगत जी, आज भक्ति पर्व के अवसर पर हम सब यहाँ पहुँचे हैं और पुरातन संतों महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा ले रहे हैं। एक संत हमेशा ब्रह्म ज्ञान को अपने जीवन में ढाल के समर्पण भाव से जीवन जीता है। बाबा जी से भी आपने सुना, जिस पेड़ को जितना ज़्यादा फल लगता है वो उतना ही नीचा झुकता है। इन महापुरुषों को जो जो आदेश दिए गए उन्होंने सत सत करके उनको माना। जो जो सेवा लगाई गई विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स, उस सेवा को करना स्वीकार किया और कभी उसका अभिमान नहीं किया। आपने हरदेव वाणी में भी पढ़ा होगा ना, अगर दूध में थोड़ा सा भी खट्टा मिल जाता है तो वो फट जाता है। इसी प्रकार अगर सेवा का थोड़ा सा भी अभिमान आ जाता है तो वह सेवा व्यर्थ जाती है। साध संगत जी, भाई सब संतोख सिंह जी के भी जीवन से आप सब वाकिफ हैं। किस प्रकार से उनको सरोवर पे जाने का हुक्म किया गया तो उन्होंने एकदम वहाँ जाने की तैयारी कर ली। और आप सब जानते हैं उस टाइम सरोवर जंगल था, फ्लड्स आते थे, सांप थे उधर बहुत, और उनको अनेकों लोगों ने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, आप अपना कंफर्ट छोड़ के उधर जा रहे हैं। पर उन्होंने यही कहा कि मेरे को आदेश आया है, मैं इसको ज़रूर पूरा करना है। साध संगत जी, आप सब जानते हैं उस टाइम मिशन फाइनेंशियली भी इतना ज़्यादा नहीं था और ना ही इतनी गाड़ियाँ थी मिशन के पास। प्रधान लाभ सिंह जी बंगाल में गए, उनको तो लोकल लैंग्वेज भी नहीं आती थी, और एक एक कॉर्नर बसेस पे या ट्रेन्स पे उन्होंने ट्रैवल किया। और तब सड़कें भी आप सब जानते हैं कैसी थी, और बस में कितना टाइम लगता था, और बंगाल में जाके मिशन का इतना प्रचार किया उन्होंने। राज मामी जी से बात हो रही थी, वो भी कपूरथले वाले भाई साहब जी का जिक्र कर रहे थे, प्रहलाद जी का और उनके पिताजी का, कि उनकी उम्र थी काफ़ी पापा रामचंद्र जी की, और बाबा गुरबचन सिंह जी ने उनको बोला भी आप कार ले लो मिशन की, जब आप टूर पे जाते हो तो कार में जाया करो। अनेकों बार बाबा जी ने कहा उनको कि आप कार पे जाया करो। आगे से उन्होंने यही हाथ जोड़ के विनती करी कि बस ही ठीक है, एटलीस्ट अगर कहीं बस ख़राब होती है तो मेरे को साथ के साथ दूसरी बस मिल जाती है, और अगर मैं कार पे जाऊंगा तो मुझे दो तीन लोग और भी साथ लेके जाने पड़ेंगे, और अगर दो तीन लोग साथ होंगे तो जहाँ हम जाएंगे वहाँ मंडल पे भी बर्डन पड़ेगा, उन लोगों के भी ऊपर बर्डन पड़ेगा जहाँ हम जाएंगे। एक बार इस बात को बाबा जी ने वर्किंग कमेटी की मीटिंग में भी स्कूल में दोहराया, जब अनेकों जगह से मैसेजेस आने शुरू हुए कि हमको गाड़ियाँ दे दो प्रचार के लिए। बाबा हरदेव सिंह जी ने यही कहा कि पापा रामचंद्र जी के पास कौन सी कार थी और उन्होंने मिशन का कितना प्रचार किया। संतों महापुरुषों के अंदर हमेशा समर्पण भाव ही होता है, और यह समर्पण भाव भी तब आता है जब निरंकार का आधार लेता है एक भक्त। साध संगत जी, इसके साथ फिर वो शब्द गॉडफिडेंस का ध्यान आया उनको, अपनी कॉन्फिडेंस पे नहीं बट दे बिलीव्ड इन गॉडफिडेंस। उन्हें था जो निरंकार कर रहा है हमारे लिए बेहतरी के लिए ही कर रहा है। साध संगत जी, तीन चार दिन पहले पटियाले वाले पिताजी के बेटे बड़े वाले दिल्ली आए दासी को मिलने, और पिताजी की काफ़ी देर तक उनसे बातचीत चलती रही पिताजी के बारे में, और उन्होंने भी यही बताया कि एक बार पिताजी दिल्ली आए तो बाबा गुरबचन सिंह जी ने उनके गले में दुपट्टा डाला, वो वापस गए और भाभी जी को कहने लगे इसको संभाल दे, उन्होंने संभाल के तह लगा के उसको अलमारी में रख दिया। दोबारा फिर जब कुछ समय के बाद दिल्ली गए तो फिर बाबा जी ने उनके गले में दुपट्टा डाला, फिर वापस जाके उन्होंने भाभी जी को बोला इसको संभाल दे। फिर जब आए तीसरी बार तो शहनशाह जी ने उनके गले में दुपट्टा डाला और बोला इसको अब उतारना नहीं है।
उन्होंने साथ के साथ हाथ जोड़ के मत्था टेक के यही अरदास करी कि आशीर्वाद दो, पहले दास को खुद को इस दुपट्टे की लाज रखनी आ जाए, जो जो मिशन की सिखलाई है उस पे दास खुद चल पाए, फिर दूसरों को चलाने के लिए बता पाए कि कैसे मिशन की सिखलाई पे चलना है। एक वो बात कहीं पे पड़ी, इफ़ यू हैव मोर टाइम इन ट्राइंग टू टीच अदर्स और एजुकेट अदर्स, यू विल हैव लेस टाइम टू एजुकेट योर सेल्फ। और पूरन संत हमेशा एक छोटे बच्चे की तरह होता है, जैसे एक छोटा बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, एक इनोसेंस के साथ जाता है और जो जो उसको सिखाया जाता है उसको ग्रैस्प करके आगे जो जो सीखता है, क्लासेस बढ़ती हैं, उसको उन सब बातों का अपनी लाइफ में अमल करता है, उन्हें इस्तेमाल करके आगे बढ़ता है। इसी प्रकार एक संत ज्ञान लेने के बाद भोले भाव से अगर भक्ति करता है, सीखने के भाव से भक्ति करता है, संगत में आता है, तो बड़ा कुछ सीख पाता है। कल परसों महापुरुष एक गीत बोल रहे थे, अगर अमल करना आ जाए तो फिर बोलों की ज़रूरत ही नहीं है। साथ संगत जी, नंकार से अरदास है एक एक बच्चे का, एक एक संत का जीवन ऐसा बन पाए। साथ संगत जी, आज इधर आप सबने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी की, इंग्लिश में ग्राउंड ब्रेकिंग है पर इट्स द मेकिंग ऑफ अ स्पिरिचुअल कॉम्प्लेक्स, जिसका एक एक चीज़ का प्लानिंग बाबा जी ने खुद किया और आज आपने ये मास्टर प्लान भी देखा। कुछ वक्त पहले बाबा जी ने समागम पे एक बात का जिक्र किया था कि समागम होता है जिस ज़मीन पे, पर जब संतें समागम के बाद वापस भी चली जाती हैं, उन सब महापुरुषों की उस ज़मीन से महक आ रही होती है। साथ संगत जी, इसी प्रकार इस ज़मीन से बाबा जी के प्यार की, बाबा जी की सिखलाइयों की और बाबा जी की हर कण से महक आ रही है। और नंकार से यही अरदास है, जैसे इस जगह का नाम भी संभालखा है, हम उन सब आशीर्वादों को पूरी तरह से संभाल के रखें और जैसे बाबा जी ने चाहा वैसा सब जीवन जी पाएं। प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना जी।